स्क्रीन वाला देख रहे हैं आप, मैं हूँ रौनक। क्या हाल चाल है? नमस्ते। साल में 365 दिन होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन इतना सब होने का क्या फायदा जब कल की वाले अभी तक रिलीज डेट फाइनल नहीं कर पाए। 16 मई की तारीख फाइनल करने के बाद VFX वर्क्स के लिए इस फिल्म को एक महीने आगे बढ़ाकर 27 जून कर दिया गया है। हमने कहा ठीक है, मान लिया कि VFX में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, बस अच्छा प्रोडक्ट लाकर देना है। लेकिन फिर अब खबर आ रही है कि हो सकता है ये रिलीज डेट भी फाइनल न हो। ऐसा लगता है कि इसका पहला पार्ट अब इसके नाम की तरह 2898 AD में ही देखने को मिलेगा। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के VFX वर्क्स के इसके डायरेक्टर नाग अश्विन उतने इंप्रेस नहीं है उससे, और उसको ब्लॉक्स पर दोबारा काम करने को उन्होंने बोला है। इतने कम टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी बजट की फिल्म का VFX खत्म कर देना खरगोश के बिल से हाथी निकालने के बराबर है बॉस, इतना आसान तो है नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इस काम में टाइम तो लगता ही है, लेकिन कल्कि ने जो डेट फाइनल की है उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर इस रिपोर्ट में दम है तो इस फिल्म को कम से कम एक महीना और डिले करना पड़ेगा। जुलाई का महीना इतना खाली दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये एक महीने का और डिले करती है तो इसका सामना सीधे मार्वल की डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन से होगा। इंटरनेशनल मार्केट में तो चांस भूल ही जाओ, इंडियन मार्केट में भी बड़ा चैलेंज मिलेगा। ये एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए सिर्फ मार्वल फैंडम ही नहीं पूरा सुपर हीरो फैंडम इंतजार कर रहा है। वहीं जुलाई में अक्षय कुमार की सरफेरा भी शेड्यूल्ड है। अगस्त में 15 तारीख को पुष्पा 2 आने वाली है, जो इतनी बड़ी फिल्म है कि सारे अपने डेट एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। इसके जो मुकाबले खड़े थे उसके साथ क्लैश करना इस फिल्म के पोटेंशियल के साथ जस्टिस नहीं होगा। इसी महीने स्त्री 2 और बेबी जॉन भी आ रही है, ऐसे में इस फिल्म के सामने बड़ी समस्याएं दिख रही है। वहीं इस फिल्म के प्रमोशन को लेकर भी कहा गया है कि बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रमोशन किया जाएगा। कॉमिकॉन में टीजर निकालने के बाद तो ऐसा कुछ बड़ा इन्होंने किया भी नहीं है। 27 जून को फिल्म आ रही है और एक महीने से थोड़ा ही ज्यादा टाइम बाकी है, लेकिन अभी तक इसके प्रमोशन का कोई अता पता नहीं है। इससे ज्यादा तैयारी तो एग्जाम में चीट ले जाने वाले लड़के कर लेते हैं भैया। थक हार कर कल्कि की टीम ने एक सॉन्ग अनाउंसमेंट किया है। इसके साथ ये भी बताया कि इसके म्यूजिक राइट्स सारे गामा ने खरीद लिए हैं। इसके 5 लैंग्वेजेस के गाने के राइट्स अब उनके पास हैं, जिसमें से एक गाना ये जल्दी रिलीज करेंगे। अब मुझे लगता है कि इसके मेकर 27 जून वाली फाइनल डेट पर ही स्टिक करेंगे। 3 कारण है। सबसे पहले तो फिल्म की वो भीड़ जो इसका मार्केट खाने को रेडी है, सितंबर तक का कोटा फुल है। ऐसे में अगर फिल्म को अक्टूबर में ले जाते तो न सिर्फ रिलीज का खर्चा बढ़ सकता है बल्कि इसको लेकर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी क्रिएट हो सकता है। दूसरा कारण ये कि इसके डिले की वजह से प्रोजेक्ट से जुड़ी पार्टीज को भी फाइनेंशियली अपना हिसाब बैठाना होगा। ऑलरेडी फिल्म 600 करोड़ खर्च कर चुकी है ऐसा बोला जा रहा है, और ज्यादा बढ़ाना तो भैया लॉजिकल है नहीं। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है कि फैंस ने 27 जून वाली तारीख ना टैटू करवा रखी है। ऑलरेडी कोई मटेरियल न होने की वजह से वो खुद फैंस इसके प्रोड्यूसर्स को ट्रोल करते रहते हैं। ऐसे में फिल्म मेकर्स भी चाहेंगे कि उनकी मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिले। जो भी हम आपको बता देंगे, लेकिन जितनी तारीफें इस फिल्म को लेकर सुनी है अगर वो सच है तो सच में ये फिल्म इंडियन सिनेमा को नए मुकाम पर, न्यू हाइट्स पर ले जा सकती है। डर बस ये है कि हाइप पर हम इतना न चढ़ जाएं कि आदि पुरुष की तरह ये हवा में लटकी एक्सपेक्टेशंस को चट्टान पर पटक दे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाना। स्क्रीन वाला इस चैनल का नाम है। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। और कौन सा रिव्यूज आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताइएगा। सी यू टुमारो। जय हिंद।